मेरा सभी से मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि एक घेरे में आगे जो क्रमबद्ध तरीके से होली मनाई जाती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, और सभी मातृशक्तियों से मेरा अनुरोध है कि एक तरीके से एक सिस्टम जो होता है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, उस तरीके से इस
जो है होली के पर्व पर यहाँ पर जलाएंगे। धन्यवाद। Yeah!
लोग की फोटो पकड़ आनी चाहिए भाई। चला चला बोलो बोलो। जल्दी आना तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष कमलेश भट्टी को बुलाना चाहता हूँ मंच पे की माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का सभी की ओर क्षेत्रवासियों की तरफ से स्वागत करें। साथ ही मैं अपने जिले के प्रभारी विकास शर्मा जी का भी स्वागत कर रहे हूँ। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो कि हमारे जनता के सच्चे सेवक हैं और बड़े हर साल गर्व का विषय है आज हमारे इस बनबसा खुद भी गरीबों के क्षेत्र में है। आज अपना बहुमूल्य समय आज इस होली कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमती गीता पुष्कर धामी जी ने दिया। हालांकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम था लेकिन हमारे इस क्षेत्रवासियों की एक उम्मीद एक आशा थी कि हमारे साथ भी वो होली कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस अनुरोध को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्वीकार किया। मैं इस पूरे बनबसा मंडल की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, गुलजीव देवता की, गुलजीव देवता की। आज होली के इस पावन पर्व पर यहाँ उद्यमी क्षेत्र में आयोजित इस होली मिलन समारोह कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष भाई कमलेश भट्टी, हमारे बनबसा की चेयरमैन रेणु जी, मेरे यहाँ के विधायक प्रतिनिधि भाई दीपक गजराज जी, मोनू जी, हमारी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सुनय भाई, गुरु जी गोकू भाई और हमारे प्रभारी जी गोकू, हमारे विकास शर्मा जी एवं सभी उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, अभी अंदर संजय भी है, वो भी है, क्या नाम कमल भी है, किस किस का नाम हो, सभी पदाधिकारीगण और इस बहुत शॉर्ट नोटिस में जो ये कार्यक्रम आप सबके बीच में हो रहा है, इतनी विशाल संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी हमारे इस क्षेत्र के नौजवान साथी, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और हमारे प्यारे बच्चे और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जिलाधिकारी जी, हमारे पुलिस के अधीक्षक जी और उनकी पूरी टीम, समस्त प्रशासन से आए हुए हमारे नीटू भाई भी व्यापार मंडल वाले, व्यापार मंडल के वर्मा जी भी हमारे और सभी आए हुए इस प्रांगण में पधारे सभी को मैं सबसे पहले तो होली के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मां पूर्णागिरी मैया से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घरों में ये होली का त्यौहार हर प्रकार की खुशी लेकर आए, हर प्रकार की समृद्धि लेकर आए, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों का कि
बंदोसा तक को बहुत मार आया, उधर से भी चला गया, इधर से भी चला गया, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आप सब लोगों से भेंट नहीं हो पाई थी। बीच में सबसे भेंट हुई, लेकिन फिर उसके बाद बीच में काफी दिनों तक क्योंकि ऐसे प्रत्यक्ष रूप से आना नहीं हुआ, लेकिन आज से संयोग था, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज एक साथ आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य और आप सबसे मिलने का सौभाग्य। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद, हमारा सीएम कैसा हो पुष्कर धामी जैसा हो। आप सब लोगों ने इस प्रकार का मुझे स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो समर्थन जो आशीर्वाद जो आप सब लोगों ने एक बड़ा मैं कहूँ ऊर्जा देने का काम मुझे किया है, यही ऊर्जा है, यही आपका समर्थन है, यही आपका प्यार है, यही आपका स्नेह है, यही आपका आशीर्वाद है कि इसके कारण से, और माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद है, माँ शारदा मैया का आशीर्वाद है, गुरुजी देवता की कृपा है, उन्हीं के कारण से मैं आज लगातार निरंतर रूप से जब से आपने मुझे इस क्षेत्र से चुनकर भेजा तब से लेकर लगातार एक के बाद एक फैसले में लेगा, आप देख रहे होंगे तमाम फैसले लिए हैं मैंने एक के बाद, समान नागरिक संहिता का हमने कानून बनाने के लिए जो है उसकी कमेटी बना दी है, प्रदेश के अंदर चलने वाले धर्मांतरण के खिलाफ हमने कानून बना दिया, सख्त कानून बना दिया, और केवल सख्त कानून ही नहीं बनाया, सख्त कानून के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून भी हमने धर्मांतरण के क्षेत्र में बनाया है, और अभी अभी जो हमने नकल का कानून हम लेकर आए हैं, और नकल का जो कानून लेकर आए हैं वो नकल का कानून इसलिए लेकर आए कि आप हमारे बच्चों को, हमारे घरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो तैयारी करते रहते थे, योग्य भी होते थे, परीक्षा में नंबर भी अच्छे लाते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन ही नहीं होता था, उनकी नियुक्ति ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि पेपर तो पहले ही लीक हो जाता था, पर्चा तो पहले ही चला जाता था, नकल करवा दी जाती थी, आजकल पेन ड्राइव में डाल दिया जाता था, या जहां पेपर छपता था वहीं से पेपर आउट हो जाता था, व्हाट्सएप में चला जाता था, संचार के माध्यमों से चला जाता था। तो मेरे पास भी ये मामला आया तो मैंने तय किया कि इस बार किसी भी कीमत पर मैं इसकी जांच अवश्य करवाऊंगा, और मैंने जांच करवाने का निर्णय लिया। हाँ, मैं ये भी जानता था कि मैं जांच करवाऊंगा तो इसमें परेशानी भी होगी, इसमें बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े भी होंगे, बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी करेंगे, बड़े बड़े माफिया इसके सामने आ जाएंगे मेरे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे क्षेत्र की जनता ने 94% मत देकर मुझे विधानसभा में भेजा है, मुझे काम करने के लिए भेजा है, माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद है, माँ शारदा मैया का आशीर्वाद है, गुरुजी की कृपा से मैंने तय किया, कितनी भी परेशानी क्यों न हो, कितने भी संकट क्यों ना आए, कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों न हो, कोई भी रास्ते में खड़ा हो, लेकिन अभी रास्ता हमने चुन लिया है तो हम मुड़ नहीं सकते, झुक नहीं सकते, और हमने 60 लोगों को इसमें जेल में डाल दिया, 60 लोग इसमें जेल में चले गए हैं, और हमने कहा है जब तक जांच चलेगी, जब तक इसमें एक एक जो भी आरोपी है पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं, और जो इसके अध्यक्ष थे आयोग के चीफ सेक्रेटरी स्तर के भी बड़े बड़े अधिकारी थे, हमने किसी को भी गोताही नहीं कर दी, किसी को नहीं बख्शा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमने कहा सबकी संज्ञा एक है, अगर कोई अपराधी है आरोपी है तो उसकी केवल जगह जेल में है, और हमने उनको सबको जेल में डालने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने नकल के लिए कानून भी बना दिया, अब कानून बना दिया, और केवल कानून ही नहीं बनाया, पूरे देश का सबसे सख्त कानून बनाया, सबसे सख्त कानून बनाया, और इस कानून को जहां भारतवर्ष के अन्य देश भी, अन्य राज्य भी इस कानून को अपने यहां एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि यही कानून लागू करने के लिए गुजरात राज्य भी लागू कर रहा है, महाराष्ट्र भी लागू कर रहा है, और राज्य भी लागू कर रहे हैं,
और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बच्चों को, हमारे बेटियों को, बेटों को, भाइयों को, बहनों को, कि उनको भी भरमाने का काम हुआ, उनके उनको भ्रम में डालने का काम हुआ कि आप लोग परीक्षाओं में शामिल मत हो, आप लोग आंदोलन खड़े कर दो, आप लोग सड़कों पर आ जाओ, आप लोग जो है धरना करो, प्रदर्शन करो। लेकिन हमारे ये बच्चे, हमारे होनहार कल के भविष्य, वो उनके बहकावे में नहीं आए। और पटवारी लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा हुई 12 फरवरी को, उस 12 फरवरी की परीक्षा में 1,03,000 बच्चों ने भाग लिया। अभी पीसीएस की परीक्षा हुई, पीसीएस की परीक्षा में बड़ी संख्या में भाग लिया। और अभी हमारा जो समूह गांव की भर्ती परीक्षा होनी, उसमें भी बड़ी संख्या में भाग लेने वाले हैं, कली को उसकी परीक्षा होने वाली है। क्योंकि अब किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है, किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। अब अगर कोई नकल करेगा तो उसको 3 साल की 10 साल की, एक तो पहले 3 साल और 10 साल तक जो भी उसमें सम्मिलित पाया जाएगा, अगली परीक्षा में भाग लेने का उसको कोई अवसर नहीं। यही बात हो जाएगी। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। अगर नकल करी तो नकल से अर्जित की हुई सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सारा निर्णय हमने हमारे बच्चों के हित में लिया है। और भी हम बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। अभी 3 गैस के सिलेंडर हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम नई सरकार के गठन होते 3 गैस के सिलेंडर जो हमारे बीपीएल के अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जो भी यहाँ अंत्योदय के कार्ड धारक होंगे, उनको 3 सिलेंडर भरवाने का काम आपकी सरकार, उत्तराखंड की सरकार कर रही है। भाई बहनों, घर में 2 बुजुर्ग होते थे, 2 बुजुर्गों में से पहले केवल 1 बुजुर्ग को जो है पेंशन मिलती थी। हमने तय किया है कि दोनों बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, और अब एक को नहीं, दोनों को पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार से खेल खिलाड़ी वाले जो हमारे बच्चे हैं, खेल खिलाड़ी बच्चों के लिए हमने दोबारा से फिर से खेल कोटा हमने शुरू करने का अभी घोषणा किया कि हम खेल कोटा शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे आज स्वयं सहायता समूह हो, इन सभी को हम प्रयास करके कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी गुड गवर्नेंस दें, सभी लोगों को हमारे जो सरकारी भर्ती की प्रक्रिया है, उस भर्ती की प्रक्रिया में हम सबको रोजगार मिल सके। क्योंकि इतने पद खाली नहीं है कि सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, लेकिन अन्य माध्यमों से। आज मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही है जगह जगह पर। कोई क्लस्टर के माध्यम से कर रही है, कोई स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कर रही है, कोई अन्य माध्यमों से कर रही है। और एक के बाद जहां अपनी आजीविका चला रही है, अपनी आजीविका के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। अभी मैं पिछले दिनों टिहरी गढ़वाल के खिवाड़ गांव में गया था, और मैं गया उस गांव में, मैंने देखा कि छोटे छोटे मकानों में हर किसी ने होम स्टे बना रखा, और वो होम स्टे पूरे साल भर चल रहे, पूरे साल भर। यहाँ भी हमारे पास अपार संभावनाएं, कूड़ागिरी मैया का अभी मेला 9 तारीख से शुरू होने वाला है, माँ के दर्शन करने के लिए करोड़ों लाखों लोग यहाँ आते हैं। उन सब लोगों को कहीं ना कहीं माता की कृपा से वो आते हैं, वो आए दर्शन करें। हम सब लोग इस प्रयास में लगे हैं कि आज जैसे हमने श्यामला ताल के क्षेत्र में अभी वहां पर नौकायन का काम शुरू कर दिया है, माँ शारदा में जो है राफ्टिंग का काम शुरू करा है भूमि से, ऐसे अनेकों स्थानों पर, जब टनकपुर में यहीं पर हमारे यहाँ पर बड़ा जो बस अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा यहाँ पर बना रहे हैं, हमने 58 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत कर दिया। हम मतलब क्षेत्र में हमारे जो खेल मैदान है, अन्य गतिविधियां यहाँ पर करने के लिए, यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, यहाँ की सड़कों को ठीक करने के लिए अभी हमने उसको अपनी घोषणा में सम्मिलित कर दिया है। लगातार अनेकों काम, हमारा प्रयास है कि पूरा ये हमारा जनपद चंपावत ये आदर्श जनपद बने। आदर्श चंपावत बनेगा तो आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज ऐसे अनेकों कार्य, हमें बोलते रहूंगा तो बहुत देर तक बोलते रह जाऊंगा। मुझे लगता है कि अभी एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सबके बीच में मैं लगातार आता ही रहा हूँ, आता रहूंगा। और जब मुझे भी समय मिलता है आज भी, क्योंकि मुझे मेरी इच्छा थी कि आप लोगों से एक बार मिलूं,
और भाई कमलू का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इसने मुझे कहा कि भाई साहब अगर यहाँ पर एक हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और अगर आप समय देंगे तो मैंने कहा बिल्कुल मैं समय दूंगा और तुम तैयारी करो, आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान हो। कोई भी अवसर जब मुझे आपसे मिलने का मिलता है तो वो मेरे लिए एक अवसर नहीं होता है, मैं उसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं आप सबसे मिलूं और आप सब लोगों का ये स्नेह करेंगे। अभी देखिए ऐसा है कि अभी हम तीन फ्री में दे रहे हैं आपको, तीन एक साल में फ्री में दे रहे हैं जो उन लोगों को। अच्छा चलो देखते हैं उसकी बात करेंगे, उसकी बात वो है सही कहता एक ना मैं तुम्हें मैं आप लोगों की बात समझ गई हूँ, मैं बात सुन फिर है वो मैं कोई रास्ता कोई पार्ट निकाल सकूँ जरूर पार्ट निकालूंगा है ना। तो ये अवसर पर मैं सपन का बहुत न कह फिर सपन का मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ है, सपन का घर में बढ़िया हो, सपन का परिवार में बढ़िया हो और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।